संडे को आप देखिए कि 40% तक कितना अधिक आप बना पा रहे हैं, उसमें ब्लू पेन से टिक लगा दीजिए। फिर अगले संडे को एक बार और उसी टिक लगे हुए क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना है, रेड पेन से उस क्वेश्चन में टिक लगा देना है। जब 2-3 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा उसका, 100% वो क्वेश्चन आपका अपना होगा, जिंदगी में आप उस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो समझ लीजिए एक बार में जो पढ़े हैं 70% आपके दिमाग से स्किप कर जाता है, 30% भी वो आपका अपना हो पाता है। लेकिन 2 बार रिवीजन करेंगे 50% वो आपका अपना होगा, 3-4 बार रिवीजन करेंगे 100% वो आपका अपना होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसलिए बापू ऐसा आप करें और आप देख लें कि दिन ब दिन आप सप्ताह बाय सप्ताह किस तरीके से लगातार इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। आपका उद्देश्य रहना चाहिए कि आज जो इस सेट में क्वेश्चन पेपर मिला है, जिस टाइप का मैथ मिला है, जिस टाइप का रीजनिंग मिला है, एक बार जो क्वेश्चन हम गलत कर दिए हैं, नेक्स्ट वीक में अगर उसी तरह का क्वेश्चन मिलता है तो वो क्वेश्चन हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं तो खाली आप टेस्ट देते रहेंगे, डिस्कशन आप नहीं करेंगे, पता चलेगा कि 50 आ रहा है तो वही 45 से 55 के बीच में घूमते रहेगा, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये छोटा छोटा चीज आपको अपने रणनीति में शामिल करना होगा। और टेस्ट जो अगला सप्ताह ट्रेड का हम लेंगे, उसमें इलेक्ट्रीशियन और फीटर 2 ट्रेड हम स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर डीजल मैकेनिक के बच्चे होंगे, वेल्डर के बच्चे होंगे तो वो फीटर वाले ग्रुप में आएंगे, क्योंकि 60-70% सिलेबस डीजल का, वेल्डर का, फीटर चूंकि मैकेनिकल ग्रुप का हिस्सा है, उससे आपका मिलता जुलता सिलेबस होगा, इसलिए कहीं कोई परेशानी उसमें नहीं होगा। और किसी बच्चे का वायरमैन होगा तो वो इलेक्ट्रीशियन ग्रुप में आ जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन का देंगे, तब भी 80% सिलेबस उसका मैनेज होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत। इसलिए बापू ये छोटा छोटा चीज अभी से आप कीजिए, आप देख लीजिएगा 1-2 महीने में अंतर आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन जो मूल चीज हम बताया है कि 70 से 75 प्लस का टारगेट जनरल कैंडिडेट को रखना ही रखना है, ओबीसी कैंडिडेट है 2-3 कम, SC ST में है तो 4-5 कम, यही उद्देश्य लेकर चलना है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम का टारगेट रखेंगे तो मिनिमम पे जाकर जहां आपका रिजल्ट होना चाहिए वहां टिकिए आप जा करके, नहीं तो टारगेट ही अगर हम कम कर लेंगे तब तो और ज्यादा परेशानी होना है। और आपसे आपकी क्या कमजोरी है आपसे बेहतर हम उस बात को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आप कभी कभी बैठ करके खुद पर भी मंथन कीजिए कि हमारा कमजोर पक्ष क्या है। मैथ में अगर प्रॉब्लम है तो मैथ के किस पोर्शन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम है उस पर आप अधिक से अधिक मेहनत करने का कोशिश करेंगे। रीजनिंग में अगर प्रॉब्लम है, एनालिटिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम है, रीजनिंग के दूसरे सेक्शन में प्रॉब्लम है, वहां पर जाकर के आपको मंथन करना है, उसको स्पीच में इंप्रूव करना है। साइंस में भी इस तरह का है, साइंस में आपका आप देखेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, साइंस का अन्य सेक्शन भी है, सभी सेक्शन को आपको मजबूत करके चलना होगा तभी आप मैक्सिमम स्कोर तक पहुंचेंगे। इसलिए सेल्फ कैलकुलेशन के माध्यम से आप एक होमवर्क कीजिए कि हमको कहां कहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और फिर उस पर वर्क लगातार आप करते रहिए, लगातार इंप्रूवमेंट आएगी। प्लेटफॉर्म देखो प्रैक्टिस के लिए हम इतना सारा कुछ कर दिए हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अपना चलता है।